अरे आया है मौसम बसंत का, आया है मौसम बसंत का, काटो तुम जाओ तेनाली के पास, फूलो तुम आ जाओ मेरे पास, आया है मौसम बसंत का, आया है मौसम बसंत का, आया है मौसम बसंत का। तो छठे दिन होगा जुर्माने का फैसला। हाँ, 3 दिन में मुझे नाम देने हैं, उसके 2 दिन के बाद पंच बैठेंगे। मगर ये तुम क्यों पूछ रही हो? हो सकता है कि राजगुरु और उनके दोस्त कुछ शरारत करें। कैसी शरारत? जुर्माना ज्यादा लगाने की। वो तो चाहेंगे, तुम उनकी फिक्र मत करो। अच्छा ये बताओ, क्या बना रही हो खाने में? दाल चावल बना रही हूँ। बहुत खूब, चावल थोड़े ज्यादा बनाना, बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा, बस थोड़ी देर में ही खाना लगाती हूँ। ठीक है। तो अब पंचों की तलाश करनी है, जुर्माना तो लगेगा ही। अब कोशिश यही होनी चाहिए कि राजगुरु की चाल हो नाकाम, लेकिन अब पंच किसे बनाऊं? दरबार में से तो किसी को बना नहीं सकता, सबके सब कोषाध्यक्ष, रक्षा मंत्री और राजगुरु के बस में है। किसी रिश्तेदार या दोस्त को बनाया तो वो पंच नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उन पर लगेगा तरफदारी का इल्जाम। तो किसे बनाऊं पंच जो जुर्माना कम से कम लगाए और कोई इल्जाम भी ना लगा सके? ऐसा करता हूँ, अगले 2 दिन पंचों को ढूंढने का ही काम करता हूँ, यही ठीक रहेगा। मैं हैरान हूँ, तेनाली राम ने पंच किसे चुना होगा, क्योंकि दरबार में से तो उसने किसी को चुना नहीं। हाँ, और कल सुबह तो पंचों ने बैठना भी है। कोषाध्यक्ष जी, आपकी महामंत्री से इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई? हुई थी, मैंने सरसरी तौर पर पूछा था कि क्या तेनाली राम ने पंचों के नाम दे दिए हैं। उन्होंने कहा हाँ, बस आगे मैंने पूछा नहीं और उन्होंने बताया नहीं। मुझे लगता है उसने अपने किसी भरोसे वाले शहरियों को चुना होगा। अगर मालूम पड़ गए कि वे पंच उसकी जान पहचान के हैं, और अगर उन्होंने उसे कुछ 100 सोने की मोहरों में ही छोड़ दिया, तो मैं वो पंचायत रद्द करवा कर छोड़ूंगा। हाँ, ये तो उनकी दलीलों से भी मालूम पड़ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कोषाध्यक्ष जी, कि पंचों की दलीलें सब सुन सके। मतलब वो जो भी बहस या राय करें ऊंची आवाज में करें, यही ना? अरे इसकी आप फिक्र ना करें। तो कल मिलते हैं सुबह, ठीक है? ठीक है। बाहर अंधेरा तो हो गया है, अब मौन व्रत कब तोड़ोगे? मगम्मा, मैंने सिर्फ मुंह बंद कर रखा था, आंखें और कान नहीं। अरे हाँ, गोपाल आया था। मुझे मालूम है। अजी मुझे भी मालूम है, आपने देखा सुना था। मुझे लगा कुछ जरूरी बात थी, शायद आपके पंचों को लेकर। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा। आप मौन व्रत को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? वो इसलिए प्रिय कि जब एक आदमी अपनी एक इंद्री से काम लेना रोक देता है, तो बाकी इंद्रियां ज्यादा सक्रिय और संवेदनशील हो जाती हैं। तो फिर आप ये राज मामा राजगुरु को क्यों नहीं बता देते? वो आपके प्रति अधिक संवेदनशील हो उठेंगे और सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, वो
वो संवेदनशील होने के बजाय अधिक सक्रिय हो जाएंगे। पंचों को मेरा आदाब। आदाब। देखिए, आपको ना तो मैं जानता हूं और ना ही शायद ये सभी दरबारी। और ना ही महाराज, मुझे तेनालीराम जी ने आपके नाम और पते एक कागज पर लिख कर दिए थे। मैंने वैसे के वैसे पर्चे अपने खादिम को दे दिए कि आपको यहाँ बुला लिया जाए। जी। क्या आपको मालूम है कि आपको किस लिए बुलाया गया है? जी, हमें किसी मामले का फैसला करना है। जी, मसला ये है कि तेनालीराम जी ने पिछले साल अपनी तयशुदा छुट्टियों से 40 दिन ज्यादा छुट्टियां ली। हमारे कानून के तहत इन्हें जुर्माना देना होगा। अब कितना जुर्माना लगाना चाहिए ये तय करने के लिए आपको बुलाया है। अब आप फैसला कीजिए। आपका फैसला सबको मंजूर होगा। जुर्माना सोने की मोहरों में लिया जाएगा। मेरे ख्याल से तेनालीराम जी से पूछा जाए कि इन्होंने छुट्टियां क्यों ली। हाँ, तभी इनकी नीयत और कसूर का अंदाजा लगाया जा सकता है। भाई तेनालीराम जी, आपने इतनी ज्यादा छुट्टियां क्यों ली? जनाब, मैं एक धार्मिक आदमी हूँ और मेरा भगवान पर बहुत विश्वास है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो भले आदमी हैं। बस इसी वजह से मैं पूजा पाठ व्रत आदि करता हूँ और तीर्थ आदि पर जाता रहता हूँ। जनाब, इन 40 दिनों में मैं तीर्थ यात्रा पर ही गया था। कौन कौन से तीर्थ पर गए थे आप? मैं वैष्णो माँ के दरबार गया था। वाह, शेरावाली माता के दरबार गए थे? वाह, मैं तो कई सालों से सोच रहा था मगर जा ही नहीं पाया। और कहाँ कहाँ गए? और हरिद्वार गया था। वाह, बोलो जय गंगा मैया। और कहाँ कहाँ गए तेनालीराम जी? प्रयागराज। जय गंगा जमुना सरस्वती माता। भाई, पुण्य तो आपने बहुत कर लिया। जी, मगर कानून तोड़ा है तो सजा तो मिलेगी ही। हाँ भाई, वो तो देनी ही पड़ेगी, मगर कितनी मोहरों का जुर्माना लगाया जाए? 50 सोने की मोहरों का। अरे, कोई जुआ थोड़ी खेला है जो इतना भारी जुर्माना लगाया जाए। ये तो तीर्थ करने गए थे। 25 सोने की मोहरे ठीक रहेंगी। 25 सोने की मोहरे? अजी, आपने देखी है कभी? कमाने में पूरी उम्र निकल जाती है। 10 सोने की मोहरे ठीक रहेंगी। 10 सोने की मोहरों में कितने बोरी गेहूं आता है, पता है आपको? 700 बोरी। साल का राशन हो गया इसका। ये बाल बच्चे वाला आदमी है, इसका साल का राशन जुर्माने में चला गया तो खाएगा क्या? हाँ, ऐसा करते हैं, 5 सोने की मोहरों का जुर्माना ठीक रहेगा। हाँ हाँ, ये ठीक है। आपका फैसला मुझे मंजूर है। Hey,
ये लीजिए मेरा जुर्माना। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए, ऐसा क्या हो गया कि दरबार समाप्त होने के फौरन बाद आप महल में चले आए? महाराज, मैं कुछ कहने की आज्ञा चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए, जो भी कहना चाहते हैं कह दीजिए। महाराज, आपको पंचों का ये निर्णय कैसा लगा? आपको जो कहना है कहिए, आप मेरा दृष्टिकोण क्यों पूछ रहे हैं? महाराज, मेरा मतलब था कि इतना कम जुर्माना बड़ा अजीब सा लगता है। महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आपको जो कहना है कह दीजिए। महाराज, मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा है महाराज कि वो पंच खरीदे हुए थे। महाराज, मेरा इशारा भी इसी ओर था। महाराज, बड़ा अजीब तो लगता है, इतने बड़े राज अधिकारी पर जुर्माना सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा। महाराज, कुछ पक्षपात भरा लगता है। न्यायाधीश यदि पक्षपात करे तो इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता, किंतु ये कैसे सिद्ध हो कि पंचों ने पक्षपात किया है? महाराज, उन पंचों को कल फिर राज दरबार में बुलवाइए और उनसे कुछ बातें पूछी जाएं, जिससे ये भी साफ हो जाए कि पंचों का चुनाव तेनाली राम जी ने किया कैसे। और तेनाली राम जी उन पंचों को कब से जानते हैं, ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं जिनकी जानकारी आवश्यक है। हम समझ रहे हैं आप कहना क्या चाह रहे हैं। राज दरबार में अन्याय होना या पंचों का पक्षपात करना घोर अपराध है। अगर ये सिद्ध हो गया कि आपकी आशंका या आपका संदेह सही है, तो हम तेनालीराम को और पंचों को कठोर दंड देंगे। हम अभी महामंत्री को हुक्म भेजवाते हैं कि कल उन पंचों को राज दरबार में बुलवाया जाए। ये तो बहुत अच्छा सौदा है। पूरे 2 महीने तीर्थ यात्रा करो और वो भी एक स्वर्ण मुद्रा के बदले में। क्यों जी, अब क्या मुश्किल है? हाँ, अभी तो कोई मुश्किल नहीं, मगर यात्रा तो अगले वर्ष ही हो सकती है। क्यों? एक बार एक गलती, अनियमितता की सजा एक सोने की मोहर हो गई। अरे, इतनी आसानी से ये जुर्माना इन 3 मंदिरों को हजम नहीं होगा। क्यों, क्या करेंगे वो? अरे, यहाँ कल का पता नहीं, अरे अगला वर्ष जब आएगा तब देखेंगे। अब आप ध्यान से सोचिए, अगर हमने ये साबित कर दिया कि तेनाली राम की और उन पंचों की पुरानी जान पहचान है, तो हमारा काम तो आसान हो जाएगा। बिल्कुल, जान पहचान के लोगों को अपने ही मामले में पंच नियुक्त करवाना तो घोर अपराध है। यदि हम ये सिद्ध कर दें, तो ये आरोप लगाने में मुश्किल नहीं होगी कि उन पंचों को कुछ लालच आदि भी दिया गया है। मगर एक खास बात ये होगी कि हमें ये मालूम करना है कि तेनाली ने सारे विजयनगर में से इन 5 लोगों को क्यों और कैसे ढूंढ निकाला। और जब तेनाली ने महाराज से अपने जुर्माने के लिए पंच स्वयं चुनने का वायदा लिया था, क्या तब भी यही लोग उसके दिमाग में थे? यानी कहीं अपराध करने से पहले ही तो बचने का रास्ता नहीं ढूंढ रखा था। खेरना नहीं होगा उन पंचों को। हाँ, कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं, और हैं भी मजदूर किस्म के लोग। मेरे ख्याल से
अगर हम भी पैने प्रश्न पूछें, तो हड़बड़ी में वो सच उगल ही देंगे। हाँ हाँ, हमें उनसे उनके बारे में सब कुछ पूछना है। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, पहले कहाँ थे, क्या करते थे। हाँ, तेनाली राम को कब से जानते हैं, पहले कब मिले, क्या काम किया। और हाँ, वो किस जात के हैं, किस गांव के हैं। कहने का मतलब इतना पूछो कि कहीं ना कहीं से उन पंचों में से चाहे किसी एक का संबंध तेनालीराम से जरूर निकलना चाहिए। मैंने आपको राज्यसभा में दोबारा पधारने का कष्ट दिया, इसके लिए मुझे दुख है। महाराज, इसी बहाने हमें आपके दर्शन दूसरी बार हो गए, ये तो हमारा सौभाग्य है महाराज। देखिए, आपने जो कल फैसला सुनाया उसी को लेकर कुछ राज दरबारियों में भ्रांतियां हैं। हम उनका निवारण करना चाहते हैं। अवश्य महाराज, जो पूछना हो निसंकोच पूछिए। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग या आप में से कोई भी तेनाली राम को कब से जानते हैं। महाराज, हम पांचों पाटलिपुत्र के रहने वाले हैं और पिछले माह ही विजयनगर काम की तलाश में आए थे। हमने तेनाली राम जी को 3 दिन पहले पहली बार देखा, उससे पहले हमने इनका नाम तक नहीं सुना था। फिर आपका परिचय कैसे हुआ? महाराज, ये एक विचित्र परिस्थिति थी। अच्छा जी महाराज, हम पांचों मुख्य मंदिर के निर्माण में कार्य करते हैं। मैं राजमिस्त्री हूँ और ये चारों मेरे सहायक मजदूर हैं। अचानक मैंने देखा कि एक आदमी हमें बड़े गौर से देख रहा है। वो वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा। इस बीच हमने खाना खाया और जब हम खाना खा रहे थे तो अचानक मैंने देखा कि वो हमारे पीछे ही खड़ा है। मुझे ये बदतमीजी लगी, क्योंकि महाराज हम लोग नमक प्याज के साथ रोटी खा रहे थे और मेरी गरीबी पर से पर्दा हट गया था। फिर क्या हुआ? तो महाराज, उस व्यक्ति ने पूछा कि हम में से किस किस ने कितनी स्वर्ण मुद्राएं एक साथ देखी हैं। महाराज, मैंने बताया कि मेरे सिवा किसी ने भी कभी 3 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी नहीं देखी और मैंने भी अपने दादा के पास 3 स्वर्ण मुद्राएं देखी थी। बस तभी उस व्यक्ति ने हमारे नाम ले लिए और हम ये उनको बता चुके थे कि हम उस मंदिर में ही रहते हैं। और महाराज, अगले ही दिन महामंत्री जी ने हमें बुलावा भेजा। जब हम दरबार में आए तब मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति तेनाली राम जी ही थे। हम समझ गए, बस यही पूछने के लिए आप लोगों को कष्ट दिया था। महामंत्री जी, इन पंचों को उचित भेंट देकर ही विदा कीजिए। धन्यवाद महाराज, प्रणाम। तेनाली राम, तुम अपने साथ कितनी सोने की मोहरे लाए थे? जी 5। तुम्हें कैसे मालूम था कि वो काफी रहेंगी? महाराज, इन पंचों में से कोई भी
हर माँ दो मोहरे से ज्यादा नहीं कमाता, तो ये 5 सोने की मोहरों से ज्यादा जुर्माना तो डाल ही नहीं सकते थे। तेनालीराम, आज हमने जाना कि तुम अकलमंद ही नहीं, आदमी की सोच के अच्छे पारखी भी हो। मगर महाराज, क्या फायदा, मुझे घाटा तो हो ही गया ना। तेनाली, ये लो, अब तो घाटा हो गया पूरा। जी महाराज, अब तो मैं गंगा सागर जाऊंगा। क्या रक्षा मंत्री जी, इसके तो सारे इनाम एक दिन मैं निकलवाऊंगा। Dimata, 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 d